आज हम लोग एट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे, और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी के उम्र का अनुपात दिया गया 7:5 है। तो ए इज टू बी लिखेंगे 7:5, तथा 6 वर्ष बाद ए तथा बी के उम्र का योग इतना दिया गया है। ये वाला जो दिया गया है, ठीक है, ये जो रेशियो है ये कब का है, ये वर्तमान का है। देखिए ए तथा बी के उम्र का अनुपात इतना है, इसका मतलब क्या, ये वर्तमान का रेशियो दिया गया है। तथा 6 वर्ष बाद ए तथा बी के उम्र का योग दिया गया है 72। तो 6 वर्ष बाद क्या दिया गया है, ए और बी का योग, मतलब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 72 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले ट्रिक से बताएंगे, फिर इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे। तो देखिए ऐसे करने के बाद ये रेशियो कब का दिया गया है, वर्तमान का, और ये दिया गया है बाद का, दिया गया 6 वर्ष बाद का। अगर क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या दिया गया था, दोनों वर्तमान का दिया गया था। सेम क्वेश्चन था, ये वाला भी जो दिया गया था दोनों का योगफल, ये वर्तमान का दिया गया था। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, 6 वर्ष बाद का दिया है और ये वर्तमान का है, तो इसको हमको वर्तमान में चेंज करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे वर्तमान में ए और बी का मिला के कितना होगा, ये हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही हो जाएगा। तो देखिए ए और बी का मिला के कितना है, 72 है, लेकिन ये 6 वर्ष बाद का है। तो हम एक चीज़ बताए थे जब क्वेश्चंस को शुरू कराए थे, मतलब इस चैप्टर को जब शुरू किए थे, तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था कि पूर्व होता है, फिर वर्तमान होता है, फिर बाद होता है। इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ऐड करते हैं, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो ये देखिए बाद में दिया गया है, 6 वर्ष बाद का है, और वर्तमान में हम लोग को निकालना है, मतलब बाद का दिया गया है और वर्तमान में निकालना है, इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे जाते हैं तो माइनस करते हैं, तो माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 6। लेकिन 6 नहीं करेंगे हम लोग, कितना करेंगे, 2 गो है, तो 6 इसका भी माइनस करेंगे, 6 इसका भी, मतलब 6 और 6 12 माइनस करेंगे। अगर 3 गो वैल्यू रहता तो 6 6 और उसका भी 6, मतलब 18 हो जाता टोटल। 6 गुना 3 डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, मतलब जितना जन रहेगा उतना मल्टीपल कर देंगे इससे। तो 2 गो है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 12 हो जाएगा, 12 इसमें घटा देंगे, क्योंकि 6 और 6 दोनों का घटेगा, ये भी 6 साल घटेगा और ये भी 6 साल घटेगा, तो ओवरऑल 12 घटेगा, इसीलिए 12 हम लोग घटा रहे हैं। तो इसे इसको घटा देंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 60 आएगा, और 60 क्या होगा, वर्तमान का हो जाएगा। अब देखिए रेशियो भी वर्तमान का है और ये भी वर्तमान का है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही अब ये बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का योग दिया गया है 60, और दोनों का रेशियो हम लोग को पता है, तो योग मतलब क्या, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 हो जाएगा, और ये टोटल 60 जो है 7 और 5 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 5। 5 आने के बाद हम लोग देखेंगे क्या निकालने बोला गया है। तो बी की उम्र क्या है, तो बी वाला हम लोग को पूछा गया है, तो बी वाले से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आया उससे बी वाले को मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष। अब इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, मतलब जो इसका बेसिक तरीका है एक्स मान के जो बनाते हैं उससे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों को, ए और बी के उम्र का अनुपात इतना दिया गया है, तो ए और बी लिखना है, और 7 और 5 दिया गया है रेशियो में, तो 7x कर देंगे और 5x कर देंगे, ये रेशियो में दिया गया हम लोगों का, और है लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये कब का है, वर्तमान का है, और बोल रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद का हम लोग फिर निकालेंगे, तो 6 वर्ष बाद ये कितना का हो जाएगा, तो फिर उसी कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, पूर्व होता है, वर्तमान होता है, और बाद होता है। तो ये देखिए वर्तमान का दिया गया है ये, ठीक है, और वर्तमान से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बाद में जा रहे हैं, वर्तमान से बाद में जा रहे हैं, तो वर्तमान से बाद इधर जाते हैं, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड करेंगे, तो ऐड कितना करेंगे, 6 वर्ष, तो 7x है प्लस 6 कर देंगे, तो 6 वर्ष बाद इसका इतना एज हो जाएगा ए का, और बी का कितना होगा, 5x प्लस 6। तो देखिए दोनों 6 6 बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, 6 वर्ष बाद ए और बी के उम्र का योग, मतलब 6 वर्ष बाद इसका उम्र इतना हो रहा है और बी का उम्र इतना हो रहा है, दोनों का योग बोला गया है, दोनों का योग कितना हो रहा है, 72। तो बस इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, और इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोग का एक्स का वैल्यू आएगा, तो 7x और 5x हो जाएगा 12x, और 6 और 6 हो जाएगा 12 इक्वल टू 72। अब देखिए ट्रिक में हम 12 जो घटाए थे वो कैसे घटाए थे वो आपको यहाँ से समझ में आएगा। देखिए 6 और 6 दोनों बढ़ा था, टोटल 12 बढ़ा था ओवरऑल में। अब क्या करेंगे, 12 उस पार अगर चल जाएगा तो घट जाएगा ना, अब इसको ऐसे लिखेंगे 12x, और ये इधर चल जाएगा तो क्या होगा, 12 इसमें से घट जाएगा। देखिए 12 इसमें से घट जाएगा, तो इसी को हम उसमें ट्रिक में किए थे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इससे घटाएंगे तो 60, और ये गुना में है तो डिवाइड में आ जाएगा, इससे ये 5 बार में कट जाएगा।
अब ये 5 बार में जो कटा ये किसका बार वैल्यू आया, एक्स इज इक्वल टू 5 हम लोग का आ गया, एक्स इज इक्वल टू 5। और हम लोग को निकालना है बी की वर्तमान उम्र, तो बी का देखिए वर्तमान वाला कितना है 5x है, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स का जो वैल्यू आया, एक्स का वैल्यू 5 आया, तो यह पुट कर देंगे 5, तो 5 जा हो जाएगा 25 बार। तो दोनों तरीके से हम लोगों को जानना जरूरी है। अब चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें देखिए दिया गया है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात इतना दिया गया है, तो राम और श्याम है अनुपात की कब का दिया गया, तो वर्तमान का दिया गया है, कितना है 4:5 है। अब दिया गया 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग इतना होगा, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा उनका योग, मतलब श्याम है राम और श्याम का योग हो जाएगा 80 वर्ष, तो 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही हम लोग बनाएंगे, दोनों का आयु निकाल लेंगे फिर 4 साल बाद उसका रेशियो बना देंगे। तो जिसको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया है वो वीडियो को पॉज करके बनाएं, और सॉल्व नहीं होगा तब इस सॉल्यूशन को देखें। तो देखिए तो ये 4 वर्ष बाद का है और ये वर्तमान का है, तो हमको क्या करना होगा, इसको वर्तमान में ले आना होगा। तो वर्तमान में दोनों का दोनों को मिला के कितना होगा हम लोग को निकालना होगा। तो 4 वर्ष बाद इतना दिया गया है, तो फिर उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, पूर्व होता है, वर्तमान होता है, उसके बाद होता है। अब इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ऐड करते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ऐड करते हैं, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो घटाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए बाद का दिया गया है, तो बाद यहाँ पे है, और वर्तमान में निकालना है, वर्तमान में निकालना है, तो देखिए बाद से वर्तमान मतलब यहाँ से यहाँ आएंगे, तो इस डायरेक्शन में हम लोग आ रहे हैं तो घटाना है, तो घटाएंगे, और कितना घटाएंगे 4 वर्ष है, तो 4 नहीं घटाएंगे क्योंकि 2 जन है, तो 4 इसका भी घटेगा और 4 इसका भी घटेगा, तो ओवरऑल में कितना घटेगा 4 और 4 8 घटेगा, तो हम लोग 8 घटा देंगे। और 3 जन अगर रहता तो तीनों का 4 4 करके घटता मतलब 12 घटता, ठीक है। 4 जन रहता तो 4 4 करके चारों का घटता मतलब 16 घटता, लेकिन 2 जन का है तो 2 जन का कितना होगा, इसका भी 4 घटेगा और इसका भी 4, तो ओवरऑल में 8 घटेगा, तो डायरेक्ट हम लोग 8 घटा देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का 72। अब ये देखिए वर्तमान का योग हो गया इतना 72, और वर्तमान का रेशियो है ये, तो 72 लिखेंगे और इसको भी ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये योगफल दिया गया है 72, तो योगफल मतलब ऐड, तो इसको ऐड करेंगे, तो 4 और 5 हो जाएगा 9, तो 9 का पहाड़ा में ये 8 बार में कटेगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या निकालना है, तो 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, दोनों का निकालना है आयु, उसके बाद उसका रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो देखिए दोनों का निकालने बोला गया है, तो दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी, तो क्या हो जाएगा 8 4 = 32 हो जाएगा, और 8 5 = 40 हो जाएगा। और ये एज कब का है, ये जो एज है ये वर्तमान का है, ये वर्तमान का रेशियो था तो वर्तमान का है, लेकिन यहाँ बोला गया 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा, वर्तमान में है इतना, अब 4 साल बाद क्या होगा, वर्तमान में है, बाद में हम लोग जा रहे हैं, तो बाद में जाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 4 साल, क्योंकि 4 साल बाद बोला गया, तो 4 ऐड हो जाएगा, ये 4 ये ऐड हो जाएगा, मतलब 4 साल ये बढ़ जाएगा और ये भी 4 साल बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 32 और 4 36, 40 और 4 44। और इसका अनुपात पूछा गया था 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 4 वर्ष बाद इसका आयु कितना हो गया, राम का हो गया 36 और श्याम का हो गया 44, इसका अनुपात पूछा गया है रेशियो, तो रेशियो कर देंगे। अब ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, देखिए ये 4 का टेबल में कट जा रहा है, 4 का टेबल में 9 बार में, 4 का टेबल में 11 बार में, तो हम लोग का रेशियो में ये कन्वर्ट हो गया 9:11, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए इसका बेसिक तरीका, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो वर्तमान में राम है और श्याम है, इसका अनुपात दिया गया 4:5, तो ये 4x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और ये रेशियो में है। अब दिया गया 4 साल बाद उनकी आयु का योग इतना होगा, तो 4 साल बाद इसका कितना हो जाएगा, तो देखिए वर्तमान से बाद जा रहे हैं, तो वर्तमान से बाद के लिए हम लोग ऐड करेंगे, तो बार बार ये लिखने का जरूरत नहीं है, हम समझाने के लिए फिर भी लिख देते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे, पूर्व वर्तमान और बाद होगा। तो अब देखिए वर्तमान से हम लोग को बाद जाना है, वर्तमान से बाद, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना ऐड करेंगे 4x तो होगा ही, और क्या होगा वर्तमान से बाद में जा रहे हैं 4 साल बाद क्या होगा 4 बढ़ जाएगा, ऐड करेंगे कितना 4, फिर ये भी तो 4 साल बढ़ेगा, तो इसमें भी 4 ऐड करेंगे, जितना है उतना लिखना है, और वर्तमान से फिर बाद जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, और कितना करेंगे इधर जितना रहेगा। अब ये बोला गया है 4 साल बाद उनकी आयु का योगफल इतना होगा, तो 4 साल बाद राम का आयु इतना हो रहा है और इसका इतना हो रहा है, और योगफल बोला गया है तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 80 दिया गया क्वेश्चन में। तो बोल रहा है 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का आयु निकाल लेते हैं पहले,
तो एक्स का वैल्यू इससे निकलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा। तो देखिए 4x और 5x 9x हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 80। अब लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 80 में से ये 8 घटेगा तो 72 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 98 या 72। 8 हम लोगों का x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू आने के बाद हम लोग का ये वाला जो है निकाल लेंगे, मतलब राम और श्याम का एज, तो राम का कितना है 4x है तो निकाल लेते हैं, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 8 आया तो हो जाएगा 32। और उसी तरीके से श्याम का कितना है 5x है, श्याम का 5x है यहाँ पे दिया गया है, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 8, तो 5 8 या 40 हो जाएगा। ये कब का हुआ एज, ये वर्तमान का हुआ, और पूछा कब का गया है तो पूछा गया है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद हम लोग निकालेंगे, तो ये वर्तमान है, वर्तमान से फिर बाद जाएंगे, तो देखिए वर्तमान से बाद जाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो क्या करेंगे ऐड करना पड़ेगा, ऐड करेंगे कितना 4 साल बाद बोला गया था तो इसलिए 4 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 36, और इसमें भी 4 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44, और रेशियो पूछा गया था तो रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए 4 का टेबल में 9 बार में, 4 का टेबल में ये 11 बार में, तो 9:11 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दिया गया एक माँ और उसकी बेटी के उम्र का योग इतना है, मतलब क्या वर्तमान में उसका योग दिया गया है, वर्तमान में क्या है माँ है और उसकी बेटी, तो बेटी को डॉटर लिख देते हैं, तो दोनों का योग मतलब क्या ऐड करके कितना है 32 वर्ष है। अब बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु की 5 गुनी थी, अब 7 वर्ष क्या हो रहा है पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व जो है ये दोनों का रेशियो हम लोग को दिया गया है कितना हो रहा है 5 गुना, मतलब ये 5:1 का रेशियो में है, तो बेटी की वर्तमान उम्र क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, 6 7 जैसे सॉल्व किए इसमें भी वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज़ होगा, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है ये 7 वर्ष पूर्व का रेशियो है और ये वर्तमान में दिया गया है, तो रेशियो जिसमें है, रेशियो अगर 7 वर्ष पूर्व में है तो इसको भी हम लोग 7 वर्ष पूर्व में निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व, ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, माँ और बेटी का योग कितना होगा वो हम लोग को निकालना है, तो देखिए वर्तमान में है और ये पूर्व में है, तो वर्तमान से पूर्व हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे, पूर्व होता है वर्तमान होता है उसके बाद होता है, तो देखिए वर्तमान से पूर्व, तो वर्तमान से पूर्व हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना 7 वर्ष इसका भी घटाएंगे और 7 वर्ष इसका भी, मतलब ओवरऑल में कितना घटेगा 7 और 7 14 घट जाएगा, तो 14 इसमें से घटाएंगे तो हम लोग आएगा 18। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व दोनों का योगफल इतना है और 7 वर्ष पूर्व का हम लोग को रेशियो भी पता है, तो क्या करेंगे ये जो 18 है ये दोनों का योगफल है और ये दोनों का रेशियो हम लोग का कितना है 5:1, तो कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 5 और 1 6। अब ऐड क्यों करेंगे, तो ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए ये भी 7 वर्ष पूर्व का है योगफल और 7 वर्ष पूर्व का हम लोग का रेशियो है और ये ऐड करके इतना लिखा हुआ है, तो ये भी ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 और 6 से हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो 1 भाग का वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा कितना 3। अब जिसका बोला गया है उससे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो बताइए बेटी की वर्तमान उम्र, तो बेटी से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा उसका डॉटर से, तो इससे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 1 3 ही होगा, लेकिन यह वर्तमान उम्र पूछा गया है, लेकिन ये जो हम लोग का एज निकला ये कब का है, ये 7 वर्ष पूर्व का रेशियो था तो 7 वर्ष पूर्व उसका एज निकला। अब पूर्व से हम लोग को क्या निकालना होगा, वर्तमान में पूछा गया है तो देखिए पूर्व से फिर वर्तमान, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे पूर्व से वर्तमान के लिए इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जाने के लिए ऐड करते हैं, कितना ऐड करेंगे 7 वर्ष पूर्व है तो 7 ऐड करेंगे, अभी इसका एज 3 साल है, ठीक है अभी नहीं मतलब 7 साल पहले 3 साल है, तो अभी कितना होगा, ठीक तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी मतलब क्या वर्तमान में निकालने के लिए, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड कर देंगे, तो 7 है तो 7 ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 वर्ष हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अब इसका बेसिक तरीके से भी सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसका बेसिक तरीका, एक माँ और उसकी बेटी का उम्र का योग इतना है, तो ये कब का है वर्तमान में है, किसका है माँ है और उसकी बेटी मतलब डॉटर है, दोनों का उम्र का योग कितना है 32 है। अब दिया गया 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व ये दोनों का रेशियो दिया गया है मदर और उसकी डॉटर का, ठीक है तो माँ और उसकी बेटी की उम्र का 5 गुना हो जाएगी, तो उसकी मदर कितना होगा इसका 5 गुना होगा, तो ये एक्स है तो ये 5x हो जाएगा, ये दिया गया है, तो बताइए बेटी की वर्तमान उम्र। अब ये देखिए वर्तमान में दोनों का ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा और पूर्व में ये दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे वर्तमान में ले जाएंगे, इसको वर्तमान में ले जाएंगे, तो देखिए इसको वर्तमान में हम लोग कितना हो जाएगा 5x तो होगा ही और ये x होगा ही, तो ये 5x होगा और 7 यहाँ पे दिया गया है, तो
तो पूर्व से हम लोग वर्तमान जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पूर्व होता है, वर्तमान होता है और बाद होता है। अब पूर्व से हम लोग वर्तमान जाएंगे तो पूर्व से वर्तमान इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 7 साल। मतलब 7 साल पहले इतना एज था तो अभी कितना हो रहा है, वर्तमान मतलब क्या, अभी अभी उसका एज क्या होगा, 7 साल बढ़ जाएगा। अब इसमें भी क्या होगा, 7 साल बढ़ जाएगा। अब यही दिया गया है, वर्तमान में दोनों का उम्र का योग है 32 और ये भी वर्तमान वाला है, और ये दोनों का योग मतलब क्या, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एक्स का वैल्यू आएगा, तो 5x और एक्स हो जाएगा 6x, और 7 और 7 14 इज इक्वल टू 32। अब 6x इज इक्वल टू, ये 14 उधर जाएगा तो घट जाएगा, अब 14 इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 18। अब x इज इक्वल टू 6 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग का 3 निकल के आ गया। तो पूछा क्या गया है, बेटी की वर्तमान उम्र, तो बेटी का कितना था, x था, तो देखिए x का वैल्यू ही हम लोग का आया ना 3, बस 3 यहाँ पे लिख देना है। और ये 3 कब का है, 7 साल पहले का है ये, और अभी वर्तमान का पूछा गया है एज। तो देखिए वर्तमान में क्या करेंगे, पूर्व से, ये पूर्व में है, पूर्व में कितना है, 3 है, मतलब 7 साल पहले 3 साल हो रहा है, तो अभी कितना होगा वर्तमान में, तो पूर्व से वर्तमान जा रहे हैं तो ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 7 साल, कितना होगा, 10। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है प्रभा और उसकी बेटी की वर्तमान उम्र का योग इतना है, तो वर्तमान में प्रभा है और उसकी बेटी, उसकी बेटी को डॉटर लिखते हैं, और योग दिया गया है कितना, 60 वर्ष है, तो योग मतलब ऐड करेंगे और 60 होगा। 5 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की आयु की 4 गुनी होगी, तो क्या हो रहा है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है, ये जो है प्रभा उसकी बेटी की उम्र की 4 गुनी होगी, मतलब 4:1 का रेशियो बन रहा है। तो पुत्री की आयु क्या है, मतलब वर्तमान में उसका एज पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सब एक ही टाइप का है, तो अगर वो सब समझ में आ गया तो ये भी बन जाएगा। तो देखिए ये वर्तमान का दिया गया है और ये बाद का है, तो इसको भी हम लोग बाद में ले जाएंगे, मतलब 5 साल बाद इसका हम लोग निकाल लेंगे, 5 साल बाद दोनों का योग क्या होगा। तो देखिए वर्तमान में है और बाद में जा रहे हैं, तो क्या होता है, पूर्व होता है, वर्तमान होता है और उसके बाद बाद होता है। तो देखिए ये वर्तमान में है मतलब यहाँ पे है और बाद में जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो वर्तमान से बाद जाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 5 साल है, तो एक जन का 5 साल बढ़ेगा तो दूसरा जन का भी तो 5 साल बढ़ेगा, तो ओवरऑल में कितना, 5 5 10 साल बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 70। अब दोनों का मिला के देखिए 70 है 5 साल बाद, और दोनों का रेशियो है कितना, 4:1, ठीक है, मतलब 4:1 का रेशियो है, तो 70 है दोनों का मिला के, तो इसको भी मिला देंगे तो 4:1 5 हो जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। अब ये 14 जो आया इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जिसका निकालने बोलता है, तो निकालने किसका बोला गया है, तो पुत्री की आयु क्या है, तो वर्तमान में पूछा गया है, तो पुत्री की आयु का ये वाला रेशियो है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 14 1 जब 14 हो जाएगा। लेकिन ये जो एज आया ये कब का है, जब का रेशियो है, तो रेशियो कब का है, 5 साल बाद का है, मतलब 5 साल बाद इसका एज कितना होगा, इतना, ठीक। तो अभी पूछा गया वर्तमान में क्या होगा, तो देखिए 5 साल बाद का हम लोग को पता है, ये वाला हम लोग को पता है, और निकालना कब का है, तो निकालना वर्तमान का है, ये वाला हम लोग को निकालना है। तो देखिए बाद से वर्तमान आएंगे तो इस डायरेक्शन में आएंगे, तो इस डायरेक्शन में आएंगे तो घटेगा, तो कितना घटेगा, तो 5 साल है तो 5 घटेगा, तो 14 से 9 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 9 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका बेसिक तरीके से भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए बोल रहा था प्रभा और उसकी बेटी की वर्तमान उम्र का योग इतना है, तो वर्तमान में प्रभा है और उसकी बेटी है का योग कितना दिया गया है, 60 वर्ष है। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद वह अपनी आयु का 4 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है, प्रभा अपनी बेटी की 4 गुना हो जाएगी, तो 4:1 होगा, मतलब ये 4x हो जाएगा, और ये 1x मतलब x, 1x का मतलब क्या होता है, x ही होता है, 4 गुनी का मतलब क्या, ये x है तो ये 4x हो जाएगा। तो पुत्री की आयु क्या है वर्तमान में पूछा गया है। अब देखिए 5 साल बाद इतना हो रहा है तो इसका भी वर्तमान में हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में इसका एज क्या हो जाएगा, वर्तमान में क्यों निकालेंगे, क्योंकि वर्तमान में दोनों का मिला के पता है हम लोगों को, इसीलिए वर्तमान में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये 4x है, अब वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, बाद से वर्तमान आएंगे तो बाद से वर्तमान हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे, पूर्व वर्तमान और बाद होता है, बार बार वो लिखने का जरूरत नहीं है, तो बाद से हम लोग वर्तमान में जाएंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 5,
फिर इसका भी तो घटेगा x माइनस फाइव, तो दोनों का वैल्यू हम लोग का आ गया, तो बस दोनों का मिला के कितना है 60, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका कितना है 4x माइनस फाइव और इसका है x माइनस फाइव, और दोनों को मिला के कितना है 60 है। अब देखिए 4x और x हो जाएगा 5x और माइनस फाइव माइनस फाइव हो जाएगा माइनस टेन इक्वल टू 60। अब 5x इज इक्वल टू 60 है और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 5x इज इक्वल टू 70, अब x इज इक्वल टू ये कट जाएगा इससे तो 14 बार में कटेगा, इससे ये काटेंगे तो 14 बार में, तो x का वैल्यू हम लोग का 14 आया। लेकिन पूछा क्या गया था, तो बेटी की वर्तमान उम्र, ठीक है, बेटी की आयु क्या है, क्या है का मतलब क्या है, अभी का पूछा गया है, ठीक है, तो अभी मतलब क्या वर्तमान, तो वर्तमान में डॉटर का कितना होगा, तो पहले इसका निकाल लेते, ये क्या है एक्स है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 है, वही ना निकला, तो 14 लिख देंगे। और ये 5 वर्ष बाद का था, ये तो अभी पूछा गया, तो बाद से वर्तमान में आएंगे तो घटाएंगे, कितना घटाएंगे, तो यहाँ पे जितना दिया हुआ रहता है तो 5 दिया है तो 5 घटा देना है, तो 14 से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 वर्ष हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, 1 2 ये सब जो बनाए थे पार्ट 1 में हम लोग, पार्ट 1 का वीडियो देखिएगा, ये सब समझ में आएगा, ठीक है, तो उसमें जैसे बनाए थे उस टाइप का ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो इसमें बोल रहा है 5 वर्ष पहले ए तथा बी के उम्र का अनुपात इतना था, तो जो बोला गया हम लोग को लिख देना है, तो बोला गया है 5 वर्ष पहले, बाद नहीं पहले बोला गया है, तो 5 वर्ष पहले ए और बी का रेशियो दिया गया है 2:3 का रेशियो है, फिर 10 वर्ष बाद ए और बी के उम्र का अनुपात 3:4 है। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद का दिया गया है, कितना दिया गया है 2:3:4 का है, 5 वर्ष पहले का दिया गया है 2:3 और 10 वर्ष बाद का दिया गया है 3:4, यही है। तो ए की वर्तमान उम्र बताएं, तो ए का हम लोग को निकालना है वर्तमान वाला, तो देखिए पहले जब रेशियो इस टाइप का रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको घटा के देखते हैं, या फिर डिफरेंस बोल लीजिए, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 से 3 को घटा देंगे 1 होगा, फिर 3 से 2 को घटा देंगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जब हम लोग बना रहे थे तब इसमें क्या हो रहा था, इक्वल नहीं हो रहा था, तो इक्वल जब नहीं हो रहा था तो हम लोग नया रेशियो बनाए थे, लेकिन इसमें नया रेशियो बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है, तो ये याद रखना है, जब इक्वल हो जाएगा तो नया रेशियो नहीं बनाना है, इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये 1 आया, अब ये कितना होता है, इधर वाला ऐड करते हैं तो 10 और 5 15, इसको डिवाइड करते हैं जितना इधर रहता है, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 ही होगा। अब 15 से बस मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू को जो हम लोग को पूछा गया है, तो पूछा गया है ए की वर्तमान उम्र, तो देखिए ना तो ये वाला वर्तमान का रेशियो है ना तो ये वाला, ए का रेशियो तो यही है ना 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये 10 साल बाद वाला दिया गया है और ये 5 साल पहले वाला, तो हम लोग दोनों रेशियो से बारी बारी से निकालना सीखेंगे, तो हम लोग इस रेशियो को लेकर चलते हैं, तो ये कितना है 2 है और मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 15 × 2 = 30 हो जाएगा, तो 30 कब का होगा, 5 साल पहले का होगा, तो 5 साल पहले अगर 30 साल का था तो अभी क्या होगा, तो अभी 5 साल बढ़ा होगा, पहले से हम लोग क्या जा रहे हैं, यही वाला होता है ना, पूर्व होता है, वर्तमान होता है और बाद होता है, पूर्व मतलब ही होता है पहले, तो पहले से हम लोग कहाँ जाएंगे, वर्तमान में, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड करेंगे, अब 5 साल पहले था तो 5 ऐड कर देंगे तो वर्तमान का निकल के आ जाएगा 35 साल, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, यही पूछा गया था। अब देखिए हम लोग चाहते थे, अगर चाहे तो इस रेशियो से भी निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते थे, तो देखिए ये 3 है और ये 15 है, तो 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 × 3 जो हो जाएगा 45, और ये कब का है, 10 साल बाद का है। अब देखिए बाद से हम लोग को वर्तमान में जाना है, क्योंकि वर्तमान में पूछा गया है, तो बाद से हम लोग को वर्तमान में, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो घटाएंगे, कितना घटाएंगे, तो यहाँ पे 10 है तो 10 घटा देना है, तो 45 से 10 घटाएंगे तो 35 आएगा। चाहे तो इस रेशियो का यूज़ करिए, चाहे तो इस रेशियो का, हम दोनों बता दिए, आंसर हम लोग का 35 हो जाएगा। अब इसका बेसिक तरीका भी देख लेते हैं, तो देखिए बेसिक तरीका इसका यही है, जब डबल रेशियो रहेगा तो इसको लिख देना है, ए और बी का बोला गया है तो ए बाई बी करेंगे, मतलब ए का यहाँ पे लिखेंगे और बी का यहाँ, कितना दिया गया 2:3, मतलब 2/3 लिख देना है, और इस बट्टा को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, और बराबर में ये वाला जो सेकंड रेशियो है उसको लिखना है, अब इस साइड में एक्स दे देना है। अब पढ़ना है क्वेश्चन को, 5 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात इतना था, ठीक है, और 10 साल बाद इतना हो जा रहा है, तो ये देखिए 5 साल पहले था और 10 साल बाद इतना हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, पहले से बाद जा रहा है, देख लीजिए अच्छे से, पूर्व होता है, वर्तमान होता है, बाद होता है, तो पूर्व मतलब पहले, 5 साल पहले, और इससे कहाँ जा रहा है, बाद चल जा रहा है, 10 साल बाद, तो पूर्व से बाद इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, तो यहाँ से ये वाला दोनों ऐड कर देना है, 5 वर्ष और इधर 10 वर्ष, तो 5 और 10 15, डायरेक्टली 15 हम लोग ऐड कर देंगे,
बस जो ये इक्वेशन आया हम लोगों का, इससे हम लोग को एक्स का वैल्यू निकलेगा। तो निकालते हैं तो 4 × 2 हो जाएगा 8x, फिर प्लस 15 × 4 = 60 हो जाएगा, फिर 3 × 3 = 9x हो जाएगा, 15 × 3 = 45 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा -x = -15 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, हम लोग का x = 15 आया, x का वैल्यू हम लोग का निकल गया। तो निकाल देना है अब तो a की वर्तमान आयु, तो a का आयु देखेंगे तो 5 वर्ष पहले a की आयु कितना है, 2 है, तो मतलब 2x है। a का कितना है, 2x है, तो 2 × x का वैल्यू कितना है, 15, 15 × 2 = 30। ये 30 वर्ष जो आया हम लोग का ये कब का है, तो ये वाला रेशियो हम लोग यूज़ किए फर्स्ट वाला सेंटेंस का, तो ये 5 वर्ष पहले का था, तो 5 वर्ष पहले कितना था, 30 वर्ष, तो अभी कितना हो जाएगा, पहले से अभी, ठीक है, अभी मतलब वर्तमान, पहले से वर्तमान जाएंगे तो ऐड करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ऐड करेंगे कितना, 5 साल पहले बोला गया था, 5 साल पहले का है ये, तो 5 साल पहले इतना था, तो अभी कितना होगा, प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 35 वर्ष, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।